और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने रोहित टंडन को गिरफ्तार किया है। रोहित टंडन पर 70 करोड़ के पुरानी करेंसी को बदलने का आरोप है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, दिल्ली के वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऑफिस में रेड के दौरान इतनी बड़ी रकम पकड़ी गई थी, नगद में सारे थे। इसलिए ईडी ने 70 करोड़ की रकम की हेराफेरी का आरोप उन पर लगा है और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि रोहित टंडन की फर्म पर छापे के दौरान क्या क्या बरामद हुआ था। दिल्ली में काले कुबेर कहे जा रहे वकील रोहित टंडन का केस, जहां 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा गया था। 13.5 करोड़ रुपए में 2.6 करोड़ नए 2000 के नोट थे। इसमें 7 करोड़ रुपए के तो 1000 रुपए के पुराने नोट भी बरामद हुए। 100 रुपए के नोट के 3 करोड़ रुपए भी इन्हीं के साथ बरामद हुए। सर ये बताइए, कितनी रिकवरी हुई अब तक? 13.5 हुआ। अच्छा, इसमें अभी किसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? कितनी करेंसी नहीं है इसमें? इन्होंने कोई एविडेंस मालूम पड़ा? अच्छा सर, थोड़ी सी एक चीज बता दें सिर्फ, कि इसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने, किसी बिल्डर का नाम लिया? हम आपको रोहित टंडन के बारे में भी बता देते हैं, जिसकी संपत्ति के बारे में जानकर खुद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी चौंक गए हैं। रोहित टंडन का दुबई में एक घर है, दिल्ली के छतरपुर में 2 फार्म हाउस और दिल्ली के पंचशील में 2 घर। रोहित टंडन का दिल्ली के जोरबाग में 100 करोड़ रुपए की कीमत का बंगला है, जो पिछले साल ही खरीदा गया है। टंडन का परिवार वकीलों का परिवार है। उसके पिता हरियाणा और चंडीगढ़ में जज भी रहे हैं। टंडन ने अपने बेटे की शादी पिछले साल की थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रोहित टंडन के भारत में 18 बैंक अकाउंट हैं और उसकी कंपनी अक्टूबर में भी जांच के घेरे में आई थी। रीमा पाराशर और गौरव सावंत के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।